कल कभी ना आ जाना। थैंक यू सर, मजे करना है। हाँ सही पहुंचा समय पे, कभी कोई ना कोई जाए तुम्हारा। वेट वेट वेट, अनीसा का इंटरव्यू चल रहा है। हो जाएगा तब तोबा तोबा, पता नहीं मेरा क्या। ओके ओके, लेटी लेटी स्वास्तिक जी, लेटी स्वास्तिक। क्या चीज? ताजमहल कौन से राज्य? आगरा। आगरा राज्य है। हेलो एवरीवन, दिस इज राज आनंद सेना एंड यू आर विद साइंटिफिक सेना। आई एम विद वन ऑफ माय वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स अनीसा। एक वीडियो मैंने डाला था, तो कौन सा चिप्स था अनीसा? जोलो चिप्स, यस। उसके बारे में मैंने डाला था, ये सेकंड वीडियो है। द एक्सप्रेशन वाज वेरी गुड, लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की। मेरे पास कुछ मैसेजेस भी आया, टेक्स्ट आया, व्हाट्सएप पे स्टेटस चढ़ाया था, उसका फीडबैक भी बहुत अच्छा रहा। तो आई एम अगेन विथ अनीसा। वेलकम इन आवर चैनल। थैंक यू सर। से समथिंग अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट, देन आफ्टर आई विल टॉक विथ यू। तो मेरा नाम अनीसा कोमल चुकी है और मेरा हॉबी है, हमको डांसिंग करना बहुत पसंद है, एक्टिंग करना पसंद है, थोड़ा एक्टिंग करना। ओके, बचपन में जब आप छोटे थे, कितने भाई बहन हैं आप लोग? तीन भाई बहन। सबसे ज़्यादा मार कौन खाता है? क्यों सर? दोनों गलती करते हैं तो मेरे भी मार पड़ता है। ऐसा क्या है? बड़ी ना, समझाना चाहिए। तो समझाने के चक्कर में दोनों आ जाते हैं। अच्छा, ये सर क्लासेस चल रहा है अभी, दो दिन तक क्लासेस चलेगा, उसके बाद छुट्टी मिल जाएगी। व्हाट अबाउट द प्लानिंग ऑफ क्रिसमस? सर 24 को तो चर्च जाना है शाम को, और उसके बाद 25 को तो घर पे ही रहना है, मजे करना है। हाँ, उसके बाद फेवरेट टीचर इन डीएवी? कोई नहीं। हाँ, मेरा कोई फेवरेट? ये वीडियो डीएवी के टीचर देखेंगे, ये वीडियो डीएवी के टीचर देखेंगे। देयर इज नो फेवरेट टीचर इन डीएवी। आओ, अभी तक वैसे फेवरेट तो कोई बना नहीं है, पर बाद में बन गया तो बात अलग है। जल्दी पहुंचा समय पे, कभी कोई ना कोई जाए तुम्हारा। वेट वेट वेट, अनीसा का इंटरव्यू चल रहा है। बैठो बैठो बैठो। ओके, क्यों फेवरेट नहीं है, कोई टीचर पसंद क्यों नहीं आते आपको? वेट वेट वेट, कहने का मतलब ना, शांति शांति, जितने भी टीचर्स लोग हैं उन लोग एक्स स्टूडेंट्स को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। एक्स स्टूडेंट को प्रायोरिटी? क्यों? मतलब डीएवी के जितने एक्स स्टूडेंट हैं उन लोगों से। ओ मतलब जो डीएवी के पढ़े हुए हैं, आप डीएवी से नहीं पढ़े हैं तो आपको प्रायोरिटी नहीं दिया जाता है, और नाम भी सिर्फ उन्हीं का बोला जाता है, मतलब हर समय। फिर भी उनमें से कुछ तो टीचर्स होंगे जो इंटरेस्टिंग होंगे। पीके सर। कैसे, क्यों इंटरेस्टिंग है वो? बताते बहुत अच्छे से। कैसे बताते हैं? नहीं, पीके सर है, लेकिन सबसे मजेदार वो केसी नायक सर लगते हैं। केसी नायक सर है, क्यों मजेदार लगते हैं? ओ वो ना इतना स्पीड इंग्लिश बोलते हैं ना, और कैसे बोलते हैं कैसे पता है, मतलब बोलने का। टेक एन एग्जांपल ऑफ सम सेंटेंस। अरे सपोज केसी नायक सर इज टॉकिंग विद यू, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? इंग्लिश पढ़ाते हैं, मान लो तो केसी नायक सर इज टॉकिंग विद यू इन इंग्लिश, तो कैसे बात करेंगे आप? तो जल्दी जल्दी कैसे, मतलब ना उनका बोलने का तरीका ही इतना, मतलब अलग टाइप से, मतलब कैसे लगता था ऐसे टाइप से बात करते तो हंसती आ जाता हम लोग को। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में हंसती हो और आपको पनिशमेंट मिला? नहीं सर, ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ। हो जाएगा तब तोबा तोबा, पता नहीं मेरा क्या। ओके ओके, और क्या पसंद है? और बस यही सब पसंद है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे यहाँ भी आप क्लास करते हैं तो बहुत सारे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, आप इंग्लिश मीडियम में, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बेस्ट कौन? हिंदी मीडियम। क्यों सर? वो उन लोगों ने रेस्पेक्ट करना आता है। ओके वेरी गुड। हाँ, और इंग्लिश मीडियम का रहता है कि उन लोगों का रुतबा रहता है, हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं, उन लोगों को हिंदी, उन लोगों को इंग्लिश नहीं आता है। ओके, जबकि उन लोग आते हैं, वो लोग बोल नहीं पाते, बात अलग है, पर उन लोगों को समझ में आता है सब चीज। तो फिर हाँ, मतलब इंग्लिश मीडियम वालों को ना अपने ही में अलग क्या बोले, एटीट्यूड, हाँ ये रहता है। मेरे स्कूल में भी बहुत सारे लोग हैं, पर मैं भी, हो सकता है सबको मेरा में भी लगता हो। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए 10 साल आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसके बाद अभी फिर से आप 2 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो 12 साल के ऑब्जर्वेशन में, अभी तो आप 11th में, 11 साल के ऑब्जर्वेशन में
आपको क्या लगता है कि एटीट्यूड आता क्यों है इंग्लिश मीडियम के बच्चों में? जब कोई अपना कंपटीशन नहीं मिलता है ना तो एटीट्यूड अपने आप चढ़ जाता है, क्योंकि सबके अब कंपटीशन वाला कोई है ही नहीं, तो टीचर तो सबसे ज्यादा उसी को बोलेगा, तो फिर उसको बोलने के चक्कर में उसको खुद में लगता है कि हम यहाँ पे सबसे बेस्ट हैं। ओके, तो एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, सबके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? सबके साथ पता नहीं, लेकिन जब कॉम्पिटिशन वाला मिलता है ना, टक्कर देने वाला, तब लगता है कि नहीं भाई है कोई लेवल का, तो एटीट्यूड आ जाता है। नहीं, उस समय थोड़ा सा क्या बोले कम होने लगता है। अंधों के बीच काना राजा। एग्जैक्टली, अंधों के बीच काना राजा। अच्छा ये बताइए क्या हो गया? हाँ, बोले बोले से। अपने क्लास में सबसे अच्छा कौन लगता है गर्ल्स में? गर्ल्स में सिप्रा और साक्षी को छोड़ के। वो छोड़ के ऐसे तो कोई उतना कोई अच्छा नहीं लगता है, वापस आके इसी क्लास में बैठना है। अरे नहीं, मतलब ज्यादा किसी से बात नहीं करते हैं यहाँ की लड़कियों, मतलब फिर भी बिहेवियर वाइज जिनमें एटीट्यूड कम लगता है वो तो सब कम है, सब कम है। तो ऐसा कैसे हो गया हमारे क्लास में, यहाँ पे आने के बाद एटीट्यूड कम हो गया लोगों का? नहीं, आप सबको भाव देते हैं। हम सबको भाव देते हैं मतलब भाव किस टाइप का भाव देते हैं? नहीं मतलब आप हर किसी स्टूडेंट को पूछते हैं ना, अच्छा लगता है, तो इसीलिए सबका एटीट्यूड नॉर्मल लेवल पे होता है। मतलब अगर बच्चों का नॉर्मल लेवल पे एटीट्यूड रखना है तो इंजेक्शन के तौर पे सवाल पूछना चाहिए। हाँ, एकदम। ओके, बॉयज में सबसे अच्छा बिहेवियर किसका लगता है? बॉयज में बिहेवियर मतलब समझ रहे हैं, दो तीन टाइप का बिहेवियर होता है। एक होता है ना कि अट्रैक्टेड टुवर्ड्स गर्ल्स, बिहेवियर अच्छा नहीं है, या एक होता है जो रेस्पेक्ट बहुत अच्छा देते हैं, इज्जत बहुत अच्छा करते हैं, उनमें से कोई? दोनों टाइप में। स्वास्तिक फ्लैटी फ्लैटी लगता है और हमको जो रेस्पेक्ट देते हैं ऐसे में तो सूरज और पाठक। ओके, और गर्ल्स में? गर्ल्स में तो कोई नहीं, नहीं मतलब सब ठीक हैं, पर नहीं भाई ना ज्यादा किसी बात ही नहीं होता है मेरा तो फिर। अच्छा, पढ़ाई करने के टाइम में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? पढ़ाई करने के टाइम सबसे अच्छा सब्जेक्ट जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना तो अच्छा ही लगता है सारा सब्जेक्ट। फिर भी इंग्लिश सबसे अच्छा लगता है? नहीं उतना नहीं, पर ठीक लगता है। तो सबसे अच्छा कौन सा लगता है? सबसे अच्छा जीके। तो जीके से कुछ सवाल जाओ। नहीं, होता यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जीके से कोई सवाल जवाब कीजिए इनसे। हाँ पूछो आशीष, कोई सवाल जवाब जीके से। नहीं, मेरा जीके बहुत कमजोर है। अरे मेरा जीके बहुत कमजोर है। ताजमहल कौन सा राज्य है? हाँ बताइए। क्या चीज़? ताजमहल कौन सा राज्य? आगरा। आगरा राज्य है? राज्य में। कौन से राज्य में है ताजमहल? राज्य मतलब स्टेट। आगरा कब से स्टेट हो गया? यूपी। झारखंड। हाँ, झारखंड का सबसे लंबा पुल बताइए। जी के सबसे अच्छा है ना, बताइए। अरे लोग पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ। हाँ, झारखंड का सबसे लंबा पुल? अच्छा नेक्स्ट छोड़ो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट। भारत का सबसे प्रिय पक्षी किसे माना है? हाँ, प्रिय पक्षी। हाँ तो बोलो पीकॉक। ओ नहीं, ये सुनिए, आजकल एक नया ट्रेंडिंग में है कि प्रिय लिख कर नीचे लिख दो नाम तुम्हारा। नहीं नहीं, सुनिए, कुछ जगह छोड़ लिख, नीचे लिख दो सदा तुम्हारा। किनका तो है वो? एक, हाँ एक गाने, हम नाम बोल रहे हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये होता है गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? बॉम्बे। 11th president of India। अरे उत्तर से कौन याद रखता है? अच्छा हाँ, ये थोड़ा हार्ड है। कुछ नेक्स्ट आशीष, कोई और कुछ? नहीं सर, बस हो गया। अच्छा देखो, जीके अच्छा, जीके अच्छा, स्ट्रॉन्ग। अरे मेरा नहीं अच्छा, हम बोल रहे हैं। अच्छा जी के अच्छा नहीं है। सर के चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर पसंद आया आपको।
जी हाँ और कुछ नहीं हो गया थैंक यू बोलते थैंक यू फॉर वॉचिंग।